दोस्तों, बीते दिनों रश्मिका मंदाना से लेकर आलिया भट्ट, कटरीना कैफ और काजोल जैसे बड़े बड़े सितारे डीफेक वीडियो का शिकार हो चुके हैं। अब हाल ही में प्रियंका चोपड़ा भी डीफेक वीडियो का शिकार हो चुके हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह ब्रांड प्रमोशन करती हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मॉर्फेड वीडियो में प्रियंका का चेहरा से तो नहीं छेड़छाड़ हुई, लेकिन उनकी आवाज़ और शब्दों को एआई की मदद से बदल दिया गया है। इस डीफेक वीडियो में प्रियंका की आवाज़ और उनके द्वारा कही गई बातों को एक फेक ब्रांड प्रमोशन के लिए बदल दिया गया है। इतना ही नहीं, फेक वीडियो में प्रियंका चोपड़ा अपनी सालाना इनकम भी बताते हुए नजर आ रही हैं। डीफेक वीडियो में वह कहती हैं, मेरा नाम प्रियंका चोपड़ा है, मैं एक एक्ट्रेस, मॉडल और सिंगर हूँ। साल 2023 में मैंने 1,000 लाख रुपए कमाए हैं। फिल्म और गानों के अलावा मैंने कई प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा भी वह वीडियो में काफ़ी कुछ कहती नज़र आ रही हैं। हालांकि जब आप प्रियंका चोपड़ा की इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको उनका लिप सिंक आवाज़ से बिल्कुल अलग दिखाई देगा। आपको बता दो कि रश्मिका मंदाना का सबसे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह बेहद ही डीप नेक टी शर्ट में दिखाई दे रही थी। इस डीफेक वीडियो के वायरल होने के बाद कई स्टार्स ने टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल पर आवाज़ उठाई थी और ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की थी। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद कटरीना कैफ और काजोल भी इसके शिकार बन चुके हैं। बीते दिनों आलिया भट्ट का भी एक डीफेक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया था, जिसमें एक लड़की की जगह एक्ट्रेस के चेहरे को मॉर्फेड करके लगा दिया गया था, जिसमें लड़की अजीब से जेस्चर करती हुई नजर आ रही थी।